नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा है तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, आप कैसे चेक करें। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, गूगल में जाइए और जहाँ के लिए आपने फॉर्म भरा है, जैसे मैंने RRB गोरखपुर के लिए अप्लाई किया है तो RRB गोरखपुर सर्च कीजिए, और उसके बाद में आप इसका ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे RRB गोरखपुर का ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और यहाँ पे देखिए आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और कैप्चा एंटर करते ही पूरा स्टेटस आपका दिखा देगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करता हूँ, 1980085279, ठीक है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, 4, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद में आपको कैप्चा एंटर करना है, AHPTM। लॉग इन करने के बाद में आपका स्टेटस यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर फर्दर अपडेट। और यहाँ पे आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक प्रिंट नहीं किया है तो। तो इस तरह से आप जो है कि RRB ग्रुप डी का फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके काम का होगा। धन्यवाद।